अब तो पता क्यों बंद कर दी, कोई समझ नहीं आ रहा देख रहे हो, सबकी सब गाड़ियां सब पूरा छोड़ देंगे तो बंद हो जाती है, ऐसी हो गई है। तो इसका थोड़ा आरपीएम सेट कराना। देखो भाई यहाँ पर ऐसी लगी हुई है, और भाई साहब अंदर बैठो तो बैठो घर, पीछे वाले गेट से जाना पड़ेगा। अंदर पीछे वाले गेट से अंदर जाओ, कैसे अंदर निकले? ओ भाई देख रहे हो, इतना बड़ा आदमी गाड़ी में ऊपर से लेके नीचे तक आ गया हूँ अभी ठीक है। ओ भाई बाल वाल सब खराब हो गए यार, अच्छे से काढ़े थे बाल, चश्मा वश्मा लगा लेते हैं। गर्मी तो भाई क्या ही खतरनाक पड़ रही है, दिसंबर का महीना, नवंबर का, और गर्मी देखो भाई किसी हालत खराब करने वाली पड़ रही है। वो जय हो भोलेनाथ, गाड़ी अपने करते हैं चालू, हो गई चालू, मस्त ऐसे होता है। देख रहे हो भाई हेडरूम हेडरूम इतना अच्छा होता है तभी जाके गाड़ी जो है इसमें निकल सकती है। अनिश आ गया है एक्चुअली, तो अनिश से मिलने चलते हैं, और अनिश मिल जाएगा फिर उसके बाद अपने जा रहे हैं अग्रवाल जी के यहाँ पे। तो लेट्स होप कि आज सब कुछ क्लियर हो जाए, बराबर हो जाए, और अपने फ्री हो जाएंगे। फिर क्या ना अपने मेन अपने चैनल के लिए शूट करने का काफ़ी है, एक भैया जी मिले अपने तो वो क्या ना टीम क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं, वो और नॉलेजेबल भी हैं और एजेड भी हैं। उनको ऐसा नहीं कि भाई पहले पैसे मिलने लगे, उनको एक्चुअली काम करना है। तो ये चीज़ मुझे स्पिरिट अच्छी लगती है भाई कि लोग पहले काम करें, ठीक है, ग्रो करें, उसके बाद जब मनी फैक्टर जो है, हाँ मैं जानता हूँ इम्पोर्टेंट है, बट वो आ जाएगा धीरे धीरे, अपने आप ही आएगा यार, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली काम तो करो पहले, राइट। अपने में प्लेटफॉर्म है, हम उनको दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो हमें हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने के लिए, कॉन्टेंट ज़्यादा शूट करने के लिए, इसके थ्रू हम आपको कॉन्टेंट ज़्यादा बढ़ा सके, दे सके। तो ये चीज़ें अपने को करनी है। चलो चले मितवा आई टेन है भाई, आई टेन का बताऊँ ना, तो आई टेन काफ़ी सक्सेसफुल कार है यार, बंद की हो रही बार बार, ऐसा क्यों हो रहा था भाई ये बंद की हो गई गाड़ी? मुझे है ना इसका आरपीएम सेट कराना है एक बार, क्योंकि आरपीएम थोड़ा हाई भी हो जाए तो गाड़ी जो है बंद नहीं होगी और नॉर्मल आरपीएम पे अपने चलती रहेगी, मतलब ऐसा जैसे क्लच छोड़ते हैं ना तो आगे बढ़ती है गाड़ी, तो इस पर क्लच। ये देख लो भाई, ये एक ही डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो अपना काम अच्छे से करता है, ठीक है ना। गाड़ियाँ इसने उठा ली वहाँ से, मंदिर के पास खड़ी थी सबकी सब, बढ़ती तेल लेके जा रहा है कि भाई क्या ही बोले भाई, बीच में आगे पकड़ डाले बेचारे, कितने लोग की गाड़ियाँ थी, सब बाइक है भाई उठा के ले गए। सिर्फ यही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो भाई साहब अपना काम बहुत मस्त तरीके से करता है, विदाउट किसी हेजिटेशन, और जल्दी जल्दी करता है। देख रहे हो सबकी सब गाड़ियाँ उठा के ले गए। तो भाई मैं अग्रवाल जी के यहाँ आया था, और सारा मैटर जो है ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, एंड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। बट अब अपने मेन जो है वीडियो पे अपना जो है उस पर कंटेंट पे ध्यान देंगे एंड उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जॉब तो मैं अभी फिलहाल नहीं करूँगा, थोड़े टाइम तक उन्होंने बोला कि थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर लेट्स सी अगर मूड चेंज होता है तो फिर वी विल स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश थिंग, एंड एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। एंड अभी जा रहे हैं विवेक के पास अभी फतेहगंज, लेट्स गो एंड चेक करते हैं कि क्या अवेलेबल है। भाई साहब सबसे बेस्ट रोड लगती है मेरे को, ये खुद ही देख सकते हो भाई साहब नजारे इस रोड के, जल्दी आराम से कर्व देख रहा, गाड़ी अपनी कितनी मस्त तरीके से लेती है। बड़ौदा की सबसे बेस्ट रोड है ये जेल रोड। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मांजरपुर, मोनू वगैरह वहाँ पर बैठे हैं, खाएंगे पियेंगे क्योंकि भूख लगी, कुछ खाया पिया नहीं है, बाकी सब वो मेट्रो वेटर के चक्कर में बड़ा दिमाग मेरा दो दिन से खराब था, बट एवरीथिंग इज सॉल्व नाउ, एवरीथिंग इज गुड एंड होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड अभी चलते हैं, आज ट्रैफिक दोपहर में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ ज़्यादा कैसा होता है ना, दो मिनट के लिए रुकना पड़े तो ट्रैफिक हो गया, ऐसा होता है, ये होता है ट्रैफिक यहाँ का कि भाई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये जो चल रहा है ना बस इतना ही ट्रैफिक है, बाकी होता है तो शाम को होता है जो कि मतलब कि थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ता है, क्योंकि शाम को क्या होता है कि भाई लोग अपने ऑफिस से छूटते हैं, ऑफिस का छूटने का टाइम होता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तब जाके निकलते हैं। ऑल्टो देखो कैसे जा रही है भाई, रुक जाओ यार मैं निकल जान दो, बेचारी आंटी जी को निकल जा नहीं पा रही है, वो थोड़ा
रुक जाना चाहिए भाई लोगों को ऐसे यार, थोड़ा कर देनी चाहिए, बट मैं खुद नहीं रुका तो मैं दूसरों को क्या ही बोल रहा हूँ। चलो मैं खुद ही नहीं रुक रहे तो भाई दूसरों को क्या बोल रहे हैं, मैंने पहले देखा नहीं था एक्चुअली, और मैं ऐसे ही निकल आया भाई। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। गाड़ी के अंदर कैमरे के अंदर है ना भाई, आवाज़ काफ़ी थोड़ा वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन वगैरह। ओ भाई ये शेट, यहाँ पर ये जो है इको जल गई है भाई, दिखा था मैं, लेकिन हाँ मैं वीडियो डाल दूंगा, मेरे पास है उनका वीडियो भाई। इको जल गई यहाँ पे पूरा बैक, और वो पता नहीं कि कैसे जली, क्या है सीन, बट फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ पर अभी अवेलेबल थी। मेरे को अभी है ना गौतम भाई ने इसका वीडियो भेजा कि जल गई थी ना, मुझे लगा कहीं और है, लेकिन ये तो यहीं पे थी, यहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ लगी हुई थी। भगवान सब लोग सेफ हो, गाड़ी के अंदर जो भी थे शायद CNG होगी, और CNG की वजह से कुछ इशू हुआ होगा तभी यहाँ पर आने यहाँ खड़े होते हैं। थोड़ा सिग्नल आ गया इसकी वजह से। अभी तुम्हारा भाई एकदम स्मार्ट लग रहा है, कुछ भी चाय वाय पी रहा हूँ मोनू के साथ, मोनू और मैं हम दोनों ही एक दूसरे के थोड़ी अपनी गाड़ी, चलो निकलते हैं गौतम भाई के पास, जाते हैं उनके पास थोड़ा बैठेंगे, फिर उसके बाद निकलें, कुछ काम वाम हो जाए तो अच्छा है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है ऐसे फिलहाल तो। अभी हमने नोट लिखा है, और ये पेन से लिखा है, ये वाले पेन से, बहुत जबरदस्त पेन है ये जो इंसान है। पहले ये हम लोगों ने निकाल लिया सेलिंग में, आपको मार्केट में 15,000 रुपए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में देते हैं। अच्छा ये आपको चाहिए तो लो, 1000 रुपए एडवांस दे दो, 500 बाद में कभी भी दे दो। ये अपने सस्ते लियोनार्डो द डिकाप्रियो है ये। हाउ टू सेल द पेन, ये सेल मी दिस पेन, चलो क्या लो, दे दिया ना सेल तो कर दिया। अरे इको में आग कैसे लगी होता हो? इको में आग ऐसे हुआ था कि वो बंदा जो है ना, हाँ, अंदर प्रोडक्ट लेके सब घूम रहा था, ममरा वो सब, हाँ, चिवड़ा वो सब, और कहीं से भी धुआं निकला, तो बंदे ने सोचा कि गाड़ी भले ही जल जाए, सामान पहले उतार दे, सामान उतार लिया उसने, पहले उतार लिया, गाड़ी की पूरी जल के खाक हो गई। तो उसका CNG थी कि LPG थी, क्या थी? CNG थी गाड़ी, BS6 क्लेम लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? बेचारा भाई, बड़ी खतरनाक आग लगी हुई थी वहाँ पे, ऐसे भाई CNG मेरी गाड़ी में करा दो, जला लो एक बार। भाई भाई लेकिन ये पेन बड़ा मस्त है भाई, इसमें मैंने ये जो लिखा है सब आप बंदे अपनी आंखों से देखते हैं कि गाड़ी जल रही है, फिर भी CNG करवाने के लिए सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो भाई उसने गलत कुछ किया होगा ना उसमें, कोई अपने गाड़ी में जानबूझ के थोड़ी आग लगाएगा। हाँ तो लेकिन उसकी BS6 थी, मेरी BS3 है भाई, BS3 है, उसमें तो कुछ निकल जाए तो भी क्या बात है, ऐसा थोड़े ना होता है, जल्द जाए तो कुछ निकल। भाई ये लेके आए हैं पोस्ट पॉलिश है ये हेडलाइट साफ करने के लिए, तो ये साफ कर लेते हैं, देखते हैं ये कितना साफ करती है, बाकी इसे थोड़ा सा इसको साफ कर लेंगे, और इसमें पाउडर लगा देंगे थोड़ा, भाई लाओ भाई पाउडर लाओ, वैसा थोड़ा ऐसा, हाँ वैसे मेरे को पता नहीं है ये वैसे कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस ही, पता चले भाई कुछ और अलग से करना हो। भाई ये गाड़ी देखो, ऐसा लग रहा है कि रेंज रोवर खड़ी है, सेम डिजाइन तरीके से, 4x4 है, TDI स्कोडा की ये थी, अब तो पता क्यों बंद कर दी, भाई समझ नहीं आता, इतनी बढ़िया गाड़ी यार, मस्त लग रही है, अभी उन्होंने ली है तो ये भी जबरदस्त गाड़ी है यार। कितना माइलेज देती होगी ये? 18-20 का माइलेज भाई, 4x4 में 18-20 का माइलेज दे रही है, क्या डीजल है ना, बढ़िया है। तो भाई फाइनली अभी घर जा रहे हैं, शाम हो गए 5:30 बज गए, और होपफुली दिन अच्छा गया, अनएक्सपेक्टेड साल जुटे हुए, बट मज़ा आया, होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो। देखते हैं भाई कैसी अपनी गाड़ी चल रही है, क्या क्या कर रहे हैं अपने। तो अभी इसका जो काम है पेंटिंग का, कोटिंग का, वो सब अभी होना है, तो उसके लिए
जहाँ पर पेंटिंग करानी है वहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो काफी सारी गाड़ियाँ हैं तो थोड़ा समय लगेगा, बट हम लोग जरूर से इसका काम पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग जो भी होना है ना, इंटीरियर वगैरह ये कलर वगैरह होगा सब हो जाएगा, ये भी क्लीन हो जाएगा, तो जो भी होगा वो सब करा लेंगे। तो अपने निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय भोलेनाथ।